व्यास विजय श्रामपुरिया जैन विधि महाविद्यालय बीकानेर पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम सभी को पता है कि अभी कोविड-19 की महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। मैं अपने एनएसएस वॉलेंटियर और पूरी महाविद्यालय की टीम का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि वो इस सामाजिक सरोकार के कार्य में अभी भी अपने अपने स्तर पर हमारे एनएसएस वॉलेंटियर काम कर रहे हैं, उनका मैं साधुवाद देता हूँ। और उसी कड़ी में चूंकि महामारी है और लॉकडाउन के कारण से हमें पता नहीं है कि कब से पुनः वापस कॉलेजेस और स्कूलें चालू होंगी, तो विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं आए, इसलिए रामपुरिया विधि महाविद्यालय ने भी कोशिश की है कि वह अपनी ऑनलाइन क्लासेज जो है वो जल्द ही एक ऐप के माध्यम से शुरू करने का प्रयास करेगा। ये यूट्यूब चैनल RLC लॉ क्लासेस के नाम से हमने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आज मैं आपके सामने लॉ ऑफ टॉट के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। ये सबसे पहला चैप्टर, या हम कह सकते हैं ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, जिसमें सर प्रथम हम बात करेंगे डेफिनेशन, जनरल इंट्रोडक्शन एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ दी टॉट। सर प्रथम हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि टॉट शब्द का मीनिंग क्या है, व्हाट इज टॉट। टॉट शब्द यदि हम इसको इसकी उत्पत्ति की या इसके जेनेसिस की बात करें तो ये उत्पन्न हुआ है लैटिन टर्म टॉटम से। टॉटम शब्द अपने आप में इस शब्द का द्योतक है कि कोई भी चीज रॉन्गफुल तरीके से जब की जाती है, यानी कि यदि हम इंग्लिश में टॉट को समझने का प्रयास करें तो रॉन्ग यानी कोई भी ऐसा कार्य जो गलत है वो कार्य हम इस श्रेणी में मानते हैं। टॉट शब्द का हिंदी मीनिंग अप करते हैं यानी एक ऐसा एक्ट जो कि गलत है। गलत शब्द की डेफिनेशन को हम आगे इसी वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि रॉन्गफुल एक्ट का मीनिंग क्या है। उससे पहले हम बात करते हैं कि जो इसका एक जनरल मीनिंग है, यानी एज ए रॉन्गफुल एक्ट ट्विस्टेड एंड क्रूड, यानी जो सीधा नहीं है। हर व्यक्ति को जीवन में अपने अधिकार, विधि अपने अधिकार प्रदान करती है और उन्हें उन अधिकारों का सुचारू रूप से संचालन करते हुए कार्य करना होता है। लेकिन विधि में हर व्यक्ति को जिस प्रकार अधिकार दिए गए हैं उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति को भी अधिकार दिया गया है। टॉट कब क्रिएट होता है? आम जनजीवन में इस विधि का हमें बहुत उपयोग मिलता है। जब भी हम ये देखते हैं कि हमारे पड़ोस में कोई भवन निर्माण हो रखा है और वहां पर वो गंदगी बाहर फेंकता है और उससे आपको कोई परेशानी होती है तो हम उसे टॉट में कवर करते हैं, हम कहते हैं कि वो हमें न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। यानी ये छोटा सा दिखने वाला शब्द हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली बहुत बड़ी विधि के रूप में है। हालांकि जिस प्रकार अन्य लॉ को कोडिफाइड किया गया है, संहिताबद्ध किया गया है, वैसे कोई टॉट कोडिफाइड लॉ नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें प्रयास किया गया है कि जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स है, हालांकि ये इंग्लिश लॉ के ऊपर बेस्ड है, यानी जितने भी इंग्लिश लॉ में अलग अलग केस लॉज आए उनमें जो सिद्धांत दिए गए उन्हें भारतीय लॉ के रूप में मान्यता दी गई और वहां पर भारतीय न्यायालयों में उस वाद के अनुरूप उन सिद्धांतों को सुचारू रूप से उपयोग में लिया गया। अब यदि हम बात करें कि रॉन्गफुल एक्ट क्या होगा, एक्ट शब्द अपने आप में दो चीजों से मिला हुआ है। कोई भी कार्य, या तो वो कार्य होगा या कार्य न करना होगा। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो किसी कार्य को करे और कई बार उसका द्वारा गलत किया गया कार्य किसी दूसरे को यदि नुकसान पहुंचा देता है, यानी डैमेज क्रिएट कर देता है, तो हम कहते हैं कि विधि उसे कंपनसेट करती है, क्षतिपूर्ति प्रदान करती है। यहां हमें ये देखना है कि कौन से दोष के लिए क्षतिपूर्ति मिलेगी। तो टॉट के लिए दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि टॉट सिविल रॉन्ग होता है, यानी एक ऐसा दोष जो सिविल है। सिविल और क्रिमिनल, इन दोनों शब्दों से हम भली भांति से जानते हैं कि सिविल और क्रिमिनल क्या होता है। सिविल में हमारा पूर्ण रूप से कोशिश ये रहती है कि हम अपने अधिकारों को पुनः लागू कर सके, यानी जो अधिकार हमारे चले गए हैं उन अधिकारों को हम प्राप्त कर सके। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हम व्यक्ति को, जैसे क्रिमिनल एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, व्यक्ति को सजा दिलाते हैं, यहां हम सजा नहीं दिलाते, हमारा उद्देश्य रहता है कि हमें कंपनसेशन प्राप्त हो, यानी जो नुकसान आपको हो गया है वो नुकसान आपका प्रतिपूर्ति कर दी जाए किसी अन्य तरीके से। व्यक्ति को तीन प्रकार से नुकसान हो सकता है, या तो हम उसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या हम उसके रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या हम उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन तीनों तरह के नुकसान को हम इस टॉट की परिधि में शामिल मानते हैं।
अलग अलग डेफिनेशंस को हम यहाँ डिस्कस भी करेंगे कि टॉट की डेफिनेशन क्या, सही मायने में टॉट की डेफिनेशन क्या हो सकती है। लेकिन इन जनरल अब हमें समझ में आ गया कि टॉट का मतलब है ऐसा कोई भी सिविल रॉन्ग जो कि किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है या दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को क्या करता है, बाधित करता है। यानी आपने कोई ऐसा एक्ट किया है, कोई ऐसा कृत्य किया है जो किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, उसका वॉयलेशन कर रहा है। एंड द सेकंड थिंग कि ब्रिच ऑफ द लीगल ड्यूटी, यानी वह किसी व्यक्ति के जो दायित्व है उन दायित्वों की आपने पालना नहीं की है, आपको एक लीगल ड्यूटी दी गई थी और आपने उस लीगल ड्यूटी की पालना नहीं की है, तो हम कहते हैं कि वह टॉर्टियस लाइबिलिटी क्रिएट करता है, यानी अकर्तव्यपूर्ण दायित्व का मूलभूत रूप से आधार है। इस संबंध में सर्वप्रथम हम सामन की एक डेफिनेशन है जिसमें यह कहा गया है कि टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। सबसे पहला शब्द जो सामन ने अपनी परिभाषा में लिया है कि ये जो अपकृत्य है ये एक सिविल दोष है। लेकिन ये सिविल दोष कब पैदा होगा? इस सिविल दोष पर सामन के अनुसार हमें एक रेमेडी मिलती है, किसके लिए? कि हम अनलिक्विडेड डैमेजेस प्राप्त कर सके। यहां एक शब्द आया अनलिक्विडेड डैमेजेस, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि अनिर्धारित क्षतिपूर्ति क्या होती है। सामान्य रूप से क्षतिपूर्ति को हम निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन टॉर्ट में ऐसा संभव नहीं है। हम पहले से तय नहीं कर सकते कि कोई घटना के घटित होने से, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने सड़क पर कोई केले का छिलका गिरा दिया और एक व्यक्ति ने उसके ऊपर पैर रखा, पैर रखने से उसकी टांग टूट गई, तो हम पहले से निर्धारित नहीं कर सकते कि वह कौन, वह कितना नुकसान उस व्यक्ति को हुआ है और उसको कितना पैसा मिलना चाहिए। इसकी दूसरी तरफ हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखते हैं कि जहां कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट के वॉयलेशन होने पर, यानी कि ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, हम उससे क्या करते हैं, कंपनसेशन को पहले से निश्चित कर सकते हैं, यानी लिक्विडेट कर सकते हैं। टॉर्ट में कभी भी जो डैमेज है उसको हम लिक्विडेट नहीं कर सकते, हम निर्धारित नहीं कर सकते कि इतनी ही क्षतिपूर्ति मिलेगी। न्यायालय सर्कमस्टांसेस के ऊपर यह तय करता है कि उन्हें कितनी क्षतिपूर्ति प्रदान की जानी चाहिए। यहां तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि टॉर्ट एराइज कब होगा? क्या हर गलत कार्य एक तरीके से टॉर्ट की परिधि में आता है या कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं? यहां हमें यह समझना है कि दो प्रकार की चीजों को हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला विधिक कर्तव्य। टॉर्ट कभी भी मॉरल वैल्यूज के ऊपर नहीं है। एक व्यक्ति आपके घर के बाहर आया, वो भूखा है, आपने उसे रोटी नहीं खिलाई और उस कारण से उसने दम तोड़ दिया, तो आपके ऊपर कोई दायित्व नहीं है। मूलभूत रूप से ये नैतिक दायित्व है। टॉर्ट किसकी बात करेगा? जहां कोई विधिक दायित्व का उल्लंघन हुआ है, जहां लीगल प्रोसीडिंग है, जहां आपको एक, तो यहां हम राइट को दो मैनर में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है राइट इन रैम। राइट इन रैम यानी लोकबंदी अधिकार। लोकबंदी अधिकार, लोकबंदी अधिकार का मतलब ऐसे अधिकार जो हमें संपूर्ण समाज के विरुद्ध प्राप्त हो। और दूसरा होता है राइट इन पर्सोनम। अब यहां राइट इन पर्सोनम को भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि राइट इन पर्सोनम कौन से होते हैं। ये होता है व्यक्तिबंधी अधिकार। व्यक्तिबंधी अधिकार का मतलब है कि आप किसी अधिकार को यदि किसी व्यक्ति विशेष से ही लागू करवा सकते हैं तो वो पर्सनल राइट है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है, यदि आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया और उससे किसी चीज की मांग की, एक प्रपोजल था, एक वैलिड कंसीडरेशन था और एक्सेप्टेंस थी और एक कॉन्ट्रैक्ट का जन्म हो गया और एक लीगल एग्रीमेंट था, वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते ही कंपनसेशन जो है वो मिलेगा, लेकिन वो कंपनसेशन ए बी के खिलाफ प्राप्त कर सकता है। जबकि टॉर्ट में हम जिस अधिकार की बात कर रहे हैं वो राइट इन रैम है, यानी वो संपूर्ण सभ्य समाज के विरुद्ध प्राप्त अधिकारों के विरुद्ध हमें प्राप्त होता है। अपकृत्य में ये महत्वपूर्ण बात है कि वह हमें, क्योंकि देखिए अधिकार और कर्तव्य ये दो चीजें जो है वो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कि अधिकार और कर्तव्य का सीधा सा सिस्टम है कि जहां एक व्यक्ति का अधिकार शुरू होता है वहां किसी दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य भी होगा। ऐसा संभव नहीं है कि केवल अधिकार सर्जित कर दिए जाए और कर्तव्य जो है वो किसी का अधिरोपित नहीं किया जाए। हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे यूबीजस ईबी रेमेडियम। यूबीजस ईबी रेमेडियम यानी जहां अधिकार है वहां उपचार अवश्य होगा। लीगल रेमेडी के बिना
राइट्स की कल्पना नहीं है। यदि हम ये तय करना चाहें कि केवल अधिकार दे दिए और उनको संरक्षित नहीं किया तो फिर ऐसे किसी अधिकार की हमें जरूरत नहीं है, यानी उसका कोई मीनिंग नहीं है और हम उसे लीगल राइट मानते भी नहीं है। तो यहां जिस कृत्य के बारे में हम बात कर रहे हैं कि टॉर्ट क्रिएट होने के लिए यह जरूरी है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का वॉयलेशन होना हो, यानी कि अधिकारों का उल्लंघन होना जरूरी है। एंड सेकंड टर्म कि या किसी लीगल ड्यूटी का ब्रीच हुआ हो, जिसको हम एक्ट और ओमिशन के रूप में जानते हैं, लोप और कृत्य। या तो कोई ऐसा कार्य जिसका करना गलत था वो किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित कर रहा था, या किसी कार्य का करना आपका विधिक दायित्व था लेकिन आपने वो विधिक दायित्व पूर्ण नहीं किए। इन दोनों ही कंडीशन में हम ये कहेंगे कि ये कृत्य और लोप जो है वो कहीं ना कहीं टॉर्ट की डेफिनेशन में आएगा। यानी यदि हम टॉर्ट को एक तरीके से सामंट की नजर से देखने का प्रयास करें तो सामंट के अनुसार टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, सबसे पहली कंडीशन, जिसमें हमें उपचार क्या मिलता है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। और यहां इंपोर्टेंट चीज आपको यह देख लेनी है कि यह ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रिच ऑफ ट्रस्ट, इन दोनों से भिन्न है। यानी चूंकि सिविल रॉन्ग की परिधि में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ब्रिच करना, यानी ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी सिविल रॉन्ग की परिधि में आता है, उसकी डेफिनेशन में आता है। एंड सेकंड वन, एनी इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस, यानी कि जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट का उल्लंघन करना, ये भी किसके संदर्भ में आता है, ये भी सिविल रॉन्ग की श्रेणी में आता है, लेकिन इन दोनों को एक्सक्लूड करता है। सामंत ने अपनी डेफिनेशन ये क्लियर किया है कि वो एक सिविल दोष तो है लेकिन वो किससे भिन्न है, वो इन दोनों से पृथक है, वो ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और वो ब्रिच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में और इसमें टॉर्ट में क्या डिफरेंस है, और ब्रिच ऑफ ट्रस्ट और टॉर्ट में क्या डिफरेंस है। और तीसरी इंपोर्टेंट चीज, ये क्राइम से भिन्न है, यानी जहां क्राइम होगा वहां सिविल नहीं हो सकता, क्योंकि सिविल और क्रिमिनल दोनों अलग अलग है। क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटी में हम हमेशा क्राइम हमेशा स्टेट के विरुद्ध होता है, जबकि सिविल रॉन्ग हमेशा व्यक्ति के विरुद्ध होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सिविल रॉन्ग में इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए न्यायालय के सामने हाजिर होते हैं, जबकि क्राइम में आप क्या करते हैं, व्यक्ति को सजा दिलाने के उद्देश्य से या पेनल्टी इंपोज करने के उद्देश्य से आगे आते हैं। या दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि सामंट की जो डेफिनेशन है वो एक तरीके से हमें ये क्लियर करती है कि एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जिसमें कि हमें यह अधिकार मिलता है कि हम अनिर्धारित क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए सिविल न्यायालय में जा सके, जो कि कहीं ना कहीं ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रिच ऑफ ट्रस्ट और अन्य इक्विटेबल ऑब्लिगेशन की श्रेणी से बाहर हो, वो टॉर्ट की श्रेणी में आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो विनफील्ड की डेफिनेशन है। विनफील्ड की डेफिनेशन जो है उसने एक इंपॉर्टेंट चीज दी कि टॉर्टियस लाइबिलिटी जो है वो अराइज होती है ब्रिच ऑफ द ड्यूटी प्रीलिमिनरी फिक्स बाय द लॉ, यानी किसी विधि के द्वारा पूर्व निर्धारित कर्तव्य के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति। और ये ड्यूटी जो है ये संपूर्ण सभ्य समाज के प्रति प्राप्त होती है और जिसमें हमें अधिकार मिलता है कि हम अनलिक्विडेट डैमेजेस प्राप्त करने के लिए सिविल न्यायालय में बात दायर कर सके। तो इन दोनों डेफिनेशन से हमें टॉर्ट के बेसिक नेचर का पता चलता है कि टॉर्ट क्या है। यदि हम इसको समझने का प्रयास करें तो विनफील्ड की डेफिनेशन जो है वो हमें तीन तरीके के एलिमेंट्स को बाहर निकालती है। सबसे पहला कि कानून के द्वारा निर्धारित कर्तव्य भंग से जो दायित्व उत्पन्न होता है वो टॉर्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यह विधिक कर्तव्य के अतिलंघन के लिए समस्त समाज के प्रति जो हमारे अधिकार हैं उससे उत्पन्न होता है। और तीसरा, अनिर्धारित क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर करने का अधिकार मिलता है। ये तीनों चीजें जो हैं वो इससे आती है। अब हम आगे चलते हैं कि इससे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टॉर्ट निकालते हैं कि अपकृत्य की विशेषता क्या होगी। तो अपकृत्य की सबसे पहली विशेषता हमें क्या पता चली कि वह एक सिविल रॉन्ग होगा, सबसे पहली चीज। दूसरी, कब उत्पन्न होगा, जब वो किसी विधिक दायित्व का उल्लंघन करे, यानी ब्रिच ऑफ द एनी लीगल ड्यूटी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये कॉन्ट्रैक्ट से, ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से एंड
ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दोनों से अलग है, पृथक है और क्राइम से भी अलग है, और इसमें हमें अधिकार भी मिलेगा कि हम अनलिक्विडेट डैमेजेस प्राप्त करने के लिए सिविल न्यायालय में वाद दायर कर सके। अब जहां तक ऑब्जेक्ट ऑफ द टॉर्ट की बात करें कि इस अपकृत्य विधि को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके पीछे सबसे बड़े उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति की खुद की संपत्ति, उस व्यक्ति के खुद के शरीर की और उसकी गरिमा की अधिकार का संरक्षण प्रदान किया जाए। हर व्यक्ति को अधिकार है, लेकिन वो अपने अधिकारों की उस परिधि में, उस परिसीमा में रहकर कार्य करे, जिससे कि वो किसी दूसरे के अधिकार को बाधित ना करे। जैसे ही एक व्यक्ति अपने अधिकारों से बाहर जाकर किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को छूने का प्रयास करेगा तो वो टॉर्टियस लायबिलिटी की परिधि में आएगा, और यदि वो ऐसा कार्य करता है और उससे किसी व्यक्ति को डैमेज होता है तो वहां पर हम क्षतिपूर्ति प्रदान करते हैं, कंपनसेशन प्रदान करते हैं। जहां तक डेवलपमेंट ऑफ द टॉर्ट की बात है, यानी कि अपकृत्य के विकास की यदि हम बात करें, तो सबसे पहली चीज हमें यह ध्यान रखनी है, जैसे कि अन्य लॉ है, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, मॉर्मन लॉ, उस प्रकार टॉर्ट कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, ये संहिताबद्ध विधि नहीं है। इसका जो विकास है ये एक तरीके से इंग्लिश लॉ के ऊपर आधारित है। इंग्लिश लॉ में जो अलग अलग केस लॉज न्यायालय के द्वारा समय समय पर निर्णित किए गए, उन्हीं को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उचित मानते हुए, सर्कमस्टेंसेस के अनुसार उन्हें सही मानते हुए लागू किया गया। जहां जरूरत पड़ी वहां पर उन लॉज में, उन सिद्धांतों में, उन प्रिंसिपल्स में कुछ संशोधन भी किए गए। जैसे कि यदि हम उसको समझना चाहें तो रायलेन बनाम फ्लेचर के बाद में कठोर दायित्व का सिद्धांत दिया गया, लेकिन एमसी मेहता यूनियन ऑफ इंडिया भारतीय परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एब्सोल्यूट लायबिलिटी के सिद्धांत से उसे ओवरलेप कर दिया। तो ये जो चीज है ये एक तरीके से हमें बताती है कि डेवलपमेंट ऑफ द टॉर्ट जो है, हालांकि वर्तमान में टॉर्ट की परिधि कुछ हद तक कम हो गई है क्योंकि बहुत से नए नए एक्ट आने से टॉर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो कम हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें दो तरीके की सिद्धांत जो है वो प्राय, ये एक प्रश्न रहता है कि क्या अपकृत्य जो है वो लॉ ऑफ टॉर्ट है या लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, यानी अपकृत्य विधि है या अपकृत्यों की विधि है। अपकृत्य विधि और अपकृत्यों विधि में यूं देखने में हमें यूं लगता है कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अपकृत्य विधि ये कहने का प्रयास करती है कि जितने भी गलत कार्य है एज पर डेफिनेशन, ये डेफिनेशन कौन सी है जो अभी हमने पूर्व में डिस्कस की, कि कोई भी ऐसा कार्य जो कि किसी व्यक्ति के रॉन्गफुल एक्ट के कारण से उत्पन्न हुआ है और उससे किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ है तो वो टॉर्टियस लायबिलिटी का हिस्सा होगा यदि वो सिविल रॉन्ग है तो। यानी इस सिद्धांत के समर्थक जो है वो विनफील्ड है, जो विनफील्ड की डेफिनेशन हमने अभी डिस्कस की वही डेफिनेशन जो है वो विनफील्ड ये कहने का प्रयास करता है, ऐसा प्रत्येक रॉन्गफुल एक्ट जो है जो मेरी इस डेफिनेशन में आ रहा है, टॉर्ट की डेफिनेशन में आ रहा है, वो सभी टॉर्ट है, चाहे वो स्पेशली डिफाइंड हो चाहे वो स्पेशली डिफाइंड नहीं हो। यानी सर्टेन टॉर्ट, यानी कुछ निश्चित प्रकार के टॉर्ट ही टॉर्ट नहीं है, बल्कि ऐसे प्रत्येक कार्य जो रॉन्गफुल है वो सारे टॉर्ट की परिधि में आएंगे। इसे समझने के लिए या इसको सपोर्ट देने के लिए हम ये देखते हैं कि विनफील्ड के अलावा फ्रेडरिक पॉलॉक और बाविन ने भी इसी सिद्धांत का अनुसरण किया है, और उन्होंने अपने इस सिद्धांत को रायलेन बनाम फ्लेचर के कठोर दायित्व के सिद्धांत से, एमसी मेहता के पूर्ण दायित्व के सिद्धांत से, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और समाज के विकास के साथ साथ विधि में भी विकास होता है, तो कुछ चेंजेस हमने, जब हम टॉर्ट को आगे और डिस्कस करेंगे तब हम रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का सिद्धांत पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि वहां पर पूर्व में कुछ अलग निर्णय दिए गए, बाद में कुछ अलग निर्णय दिए गए, यानी कि विधि में परिवर्तन जो है वो किसी शब्दों से, क्योंकि एक सीधी सी कहावत है कि यदि लॉ जो है उसको स्थिर कर दिया जाएगा तो वो एक तरीके से सड़ जाएगा, उसका यदि सही विकास करना है तो उसे ओपन एंडेड होना पड़ेगा। दूसरे सिद्धांत के समर्थक जो है वो है कि सामान्य जो है वो ये मानते हैं कि लॉ जो है वो केवल सर्टेन प्रकार के टॉर्ट को ही लॉ की परिधि में माना जाता है, यानी उस निश्चित प्रकार के कृत्य ही अपकृत्य की श्रेणी में है, जैसे उपेक्षा, प्रहार, हमला, मानहानि, ये कुछ प्रकार के टॉर्ट है। यदि कोई एक्ट उनमें से किसी जो गिनाए गए टॉर्ट से उसमें आ रहा है तभी वो टॉर्ट्स है, नहीं तो वो अपकृत्य विधि नहीं है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंजूरिया साइन डेमनम क्या होता है और डेमनम साइन इंजूरिया क्या होता है। धन्यवाद। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।